पिता ज्ञान रंजन उसने अपने बिस्तरे का अंदाज लेने के लिए मात्र आधे पल को बिजली जलाई बिस्तरे फर्श पर बिछे हुए थे उसकी स्त्री ने सोते सोते ही बड़बड़ाया आ गए और बच्चे की तरफ करवट लेकर चुप हो गई लेट जाने पर उसे एक बड़ी डकार आती मालूम पड़ी लेकिन उसने डकार ली नहीं उसे ऐसा लगा कि ऐसा करने से उस चुप्पी में खलल पड़ जाएगा जो चारों तरफ भरी है और काफी रात गए ऐसा होना उचित नहीं अभी घनश्याम नगर के मकानों के लंबे सिलसिलों के किनारे किनारे सवारी गाड़ी धड़धड़ाती हुई गुजरी थोड़ी देर तक एक बहुत साफ भागता हुआ शोर होता रहा सर्दियों में जब ये गाड़ी गुजरती है तब लोग एक प्रहर की खासी नींद ले चुके होते हैं गर्मियों में साढ़े ग्यारह का कोई विशेष मतलब नहीं होता यू उसके घर में सभी लोग जल्दी सो जाया करते जल्दी खाया और जल्दी उठा करते हैं आज बेहद गर्मी है रास्ते भर उसे जितने लोग मिले उन सब ने उसे गर्म और बेचैन कर देने वाले मौसम की ही बात की कपड़ों की फजीहत हो गई बदहवासी चिपचिपाहट और थकान है अभी जब सवारी गाड़ी शोर करती हुई गुजरी तो उसे ऐसा नहीं लगा कि नींद लगते लगते टूट गई हो जैसा कि जाड़ों में प्राय लगता है बल्कि यूं लगा कि अगर सोने की चेष्टा शुरू नहीं की तो सचमुच देर हो जाएगी उसने जमहाई ली पंखे की हवा बहुत गर्म थी और वो पुराना होने की वजह से चिढ़ाती हुई सी आवाज भी कर रहा था उसको लगा दूसरे कमरों में भी लोग शायद उसकी ही तरह जमहाइया ले रहे होंगे लेकिन दूसरे कमरों में पंखे पुराने नहीं हैं उसने सोचना बंद करके अन्य कमरों की आहट लेनी चाहिए उसे कोई बहुत मासूम सी ध्वनि भी एक डेढ़ मिनट तक सुनाई नहीं दी जो सन्नाटे में काफी तेज होकर आ सकती है तभी पिता की चारपाई बाहर चरमराई वो किसी आहट से उठे होंगे उन्होंने डांट कर उस बिल्ली का रोना चुप कराया जो शुरू हो गया था बिल्ली थोड़ी देर चुप रहकर फिर रोने लगी अब पिता ने डंडे को गच पर कई बार पटका और उस दिशा की तरफ खदेड़ने वाले ढंग से दौड़े जिधर से रोना आ रहा था और हट हट चिल्लाए जब वो घूम फिर कर लौट रहा था तो पिता अपना बिस्तर बाहर लगाकर बैठे थे कनखी से उसने उन्हें अपनी गंजी सी पीठ का पसीना रगड़ते देखा और बचता हुआ वो घर के अंदर दाखिल हो गया उसे लगा कि पिता को गर्मी की वजह से नींद नहीं आ रही लेकिन उसे इस स्थिति से रोष हुआ सब लोग पिता से अंदर पंखे के नीचे सोने को कहा करते पर वो जरा भी नहीं सुनते हमें क्या भोगे कष्ट कुछ देर पड़े रहने के बाद वो उठा और उसने उत्सुकतावश खिड़की से झांका सड़क की बत्ती छाती पर है गर्मियों में यह बेहद अखर जाता है पिता ने कई बार करवटें बदली फिर शायद चैन की उम्मीद में पाटी पर बैठकर पंखा झलने लगे हैं पंखे की डंडी से पीठ का वो हिस्सा खुजाते हैं जहां हाथ की उंगलियां दिक्कत से पहुंचती हैं आकाश और दरख्तों की तरफ देखते हैं रिलीफ पाने की किसी बहुत हल्की उम्मीद में शिकायत उगलते हैं बड़ी भयंकर गर्मी है एक पत्ता भी नहीं डोलता उनका ये वाक्य जो नितांत व्यर्थ है अभी अभी बीते क्षण में डूब गया गर्मी बरकरार है और रहेगी क्योंकि ये जाड़े और बरसात का मौसम नहीं है पिता उठकर घूमने लगते हैं एक या दो बार घर का चक्कर चौकीदारों की तरह हो ओ करके लगाते हैं ताकि कोई सेंध वैन्द न लग सके लौटकर थके स्वर में हे ईश्वर कहते हुए उंगली से माथे का पसीना काटकर जमीन पर चुवाने लगते हैं। बड़ा गजब है कमरे की एक दीवार से टिककर बैठ जाने पर वो काफी तनाव से सोचने लगा अंदर कमरों में पंखों के नीचे घर के सभी दूसरे लोग आराम से पसरे हैं इस साल जो नया पेडस्टल खरीदा गया है वो आंगन में दादी अम्मा के लिए लगता है बिजली का मीटर तेज चल रहा होगा। पैसे खर्च हो रहे हैं, लेकिन पिता की रात कष्ट में ही है। लेकिन गजब ये नहीं है गजब तो पिता की जिद है वो दूसरे का आग्रह अनुरोध माने तब ना पता नहीं क्यों पिता जीवन की अनिवार्य सुविधाओं से भी चिढ़ते हैं वो झल्लाने लगा चौक से आते वक्त चार आने की जगह तीन आने और तीन आने में तैयार होने पर दो आने में चलने वाले रिक्शा के लिए पिता घंटे घंटे भर खड़े रहेंगे, धीरे धीरे सबके लिए सुविधाएं जुटाते रहेंगे लेकिन खुद उसमें नहीं रहेंगे या फिर कम से कम शामिल होंगे पहले लोग उनकी काफी चिरौरी किया करते थे अब लोग हार गए हैं जानने लगे हैं कि पिता के आगे किसी की नहीं चलती आज तक किसी ने पिता को वाश बेसिन में मुंह हाथ धोते नहीं देखा बाहर जाकर बगिया वाले नल पर ही कुल्ला दातुन करते हैं दादा भाई ने अपनी पहली तनख्वाह में गुसल खाने में उत्साह के साथ एक खूबसूरत शावर लगवाया लेकिन पिता को अरसे से हम सब आंगन में धोती को लंगोट की तरह बांध कर तेल चुपड़े बदन पर बाल्टी बाल्टी पानी डालते देखते आ रहे हैं खुले में स्नान करेंगे जनेऊ से छाती और पीठ का मैल काटेंगे शुरू में दादा भाई ने सोचा कि पिता उसके द्वारा शावर लगवाने के कारण बहुत खुश होंगे और उन्हें नई चीज का उत्साह होगा पिता ने जब कोई उत्साह प्रकट नहीं किया, तो दादा भाई मन ही मन काफी निराश हो गए एक दो बार उन्होंने हिम्मत करके कहा भी आप अंदर आराम से क्यों नहीं नहाते तब भी पिता आसानी से उस बात को टाल गए लड़कों द्वारा बाजार से लाई बिस्किटे महंगे फल पिता कुछ भी नहीं लेते कभी लेते भी हैं तो बहुत नाक भों से कोड़ कर उसके बेस्वाद होने की बात पर शुरू में ही जोर देते हुए अपनी अमावट गजक और दाल रोटी के अलावा दूसरों द्वारा लाई गई चीजों की श्रेष्ठता से वो कभी प्रभावित नहीं होते वो अपना हाथ पांव जानते हैं अपना अर्जन और उसी से उन्हें संतोष है वो पुत्र जो पिता के लिए कुल्लू का सेब मंगाने और दिल्ली एम्पोरियम से बढ़िया धोती मंगाकर उन्हें पहनाने का उत्साह रखते थे अब तेजी से पिता विरोधी होते जा रहे हैं सुखी बच्चे भी अब गाहे बगाहे मुंह खोलते हैं और क्रोध उगल देते हैं लद लद बाहर आम के दो सीकरों के लगभग एक साथ गिरने की आवाज आई वो जानता है कि पिता आवाज से स्थान साधने की कोशिश करेंगे टटोलते टटोलते अंधेरे में आम खोजेंगे और खाली गमले में इकट्ठा करते जाएंगे शायद ही रात में एक-दो आम उनसे चूक जाते हैं, ढूंढने पर नहीं मिलते जिनको सुबह पा जाने के संबंध में उन्हें रात भर संदेह होता रहेगा दीवार से काफी देर तक एक ही तरह टिके रहने से उसकी पीठ दुखने लगी नीचे रीढ़ के कमर वाले हिस्से में रक्त की चेतना बहुत कम हो गई उसने मुद्रा बदली बाहर पिता ने फाटक खोलकर सड़क पर लड़ते चिचियाते कुत्तों को हड़काया उसे यहाँ बहुत खींच हुई कई बार कहा मोहल्ले में हम लोगों का सम्मान है चार भले लोग आया जाया करते हैं आपको अंदर सोना चाहिए ढंग के कपड़े पहनने चाहिए और चौकीदारों की तरह रात का पहरा देना बहुत ही भद्दा लगता है लेकिन पिता की आड़ में कभी कोई झोल नहीं आता उल्टा सीधा पता नहीं कहा किस दर्जी से कुर्ता कमीज सिलवा लेते हैं ही जेब सदरी के बटन ऊपर नीचे लगे सभा सोसाइटी में चले जाएंगे घर भर को बुरा लगता है लोगों के बोलने पर पिता कह देते हैं आप लोग जाइए ना भाई कॉफी हाउस में बैठिए झूठी वैनिटी के लिए बेरा को टिप दीजिए रहमान के यहाँ डेढ़ रुपए वाला बाल कटवाइए मुझे क्यों घसीटते हैं लोगों का बोलना चुटकी भर में धरा रह जाता है पिता वैसे तो चुप रहते हैं लेकिन जब बात बहस में उन्हें खींचा जाता है तो काफी करारी और हिंसात्मक बात कह जाते हैं उल्टे उन्हें घेरने वाले हम भाई बहन अपराधी बन जाते हैं कमरे से पहले एक भाई खिसकेगा फिर दूसरा फिर बहन और फिर तीसरा चुपचाप सब खीजे हारे खिसकते रहेंगे अंदर फिर मां जाएंगी और पिता विजयी पिता कमरे में गीता पढ़ने लगेंगे या झोला लेकर बाजार सौदा लेने चले जाएंगे हमेशा यही होता है सब मन में तय करते हैं कि आगे से पिता को नहीं घेरेंगे लेकिन थोड़ा समय गुजरने के बाद फिर लोगों का मन पिता के लिए उमड़ने लगता है लोग मौका ढूंढने लगते हैं पिता को किसी प्रकार अपने साथ सुविधाओं में थोड़ा बहुत शामिल कर सकें। पर ऐसा हो नहीं पाता वो सोचने लगा भूखे के सामने खाते समय होने वाली व्यथा सरीखी किसी स्थिति में हम रहा करते हैं यद्यपि अपना खाना हम कभी स्थगित नहीं करते फिर भी पिता की असंप्रक्ति के कारण व्याकुल और अधीर तो होते ही हैं। पिता अद्भुत और विचित्र हैं। वो सोचते हुए उठा कमरे में घूमने या सिगरेट पी सकने की सुविधा नहीं थी अन्यथा वो वैसा ही करता उसने सो जाने की इच्छा की और अपने आप को असहाय पाया शायद नींद नहीं आ सकेगी ये ख्याल उसे घबराने वाला लगा पिता अद्भुत और विचित्र हैं ये बात वो भूल नहीं रहा था पिछले जाड़ों में वो अपने लोभ को कुचल कर ब एक कोट का बेहतरीन कपड़ा पिता के लिए लाया पहले तो वो उसे लेने को तैयार ही नहीं हुए लेकिन माँ के काफी घुड़कने फुड़कने से जब राजी हो गए और उसी खुल्द बाद के किसी लंपटू दर्जी के यहां उसे सिलाने चल दिए सुधीर ने कहा कपड़ा कीमती है चलिए एक अच्छी जगह मैं आपका नाप दिलवा दूं, वो ठीक सिएगा मेरा परिचित भी है इस बात पर पिता ने काफी हिकारत उगली उठे मैं सबको जानता हूं वही म्यूनसिपल मार्केट के छोटे मोटे दर्जियों से काम कराते और अपना लेवल लगवा लेते हैं वो लोग लोग साहब लो, मैंने कलकत्ते के हॉल एंडरसन के सिले कोट पहने हैं अपने जमाने में जिनके यहाँ अच्छे खासे यूरोपियन लोग कपड़ा सिलवाते थे ये फैशन वैशन जिसके आगे आप लोग चक्कर लगाया करते हैं उसके आगे पांव की धूल है मुझे बेकार पैसा खर्च नहीं करना कितना परस्पर विरोधी तर्क किया पिता ने ऐसा वो अपनी जिद को सर्वोपरि रखने के लिए किया करते हैं फिर सुधीर ने भी कपड़ा छोड़ दिया जहां चाहिए सिलवाइए या भाड़ में झोंक आइए हमें क्या वो धीमे धीमे बुदबुदाया हैं? पिता बाहर अकबकाकर उठ पड़े शायद थोड़ी देर पहले जो आम बागीचे में गिरा था उसकी आवाज जैसे उन्हें अब सुनाई पड़ी हो वो खिड़की से बाहर देखने लगा किंचित टिका टिका सा पीठ के पसीने से बनियाईन चिपक गई थी बेहद घुटती हुई गर्मी मन उसका मथा जाता था बीवी पड़ी आराम से सो रही है इसे कुछ पता नहीं शायद पिता की खाट खाली थी वो गिरा आम टटोलने के लिए बगिया में घुसे होंगे पिता कितने विचित्र हैं लंबे समय से वो केवल दो ही ग्रंथ पढ़ते आ रहे हैं यंत्रवत और नियमवत रामायण और गीता लंबे पैतीस वर्षों से अखंड केवल रामायण और गीता उसके पहले युवा काल में जो कुछ जितना कुछ उन्होंने पढ़ा हो पढ़ा हो उसे कभी भयावह कभी सम्मानजनक और कभी झूठ लगता ये देख सोचकर कि कोई व्यक्ति केवल दो पुस्तकों में जिंदगी के 35 वर्ष काट सकता है और कैसे काट लेता है तभी उसका बच्चा कुनमुना मुनाकर रोने लगा उसने तपाक से खिड़की छोड़ी और अपने बिस्तर पर झूठ मूठ सो गया ऐसा ना हो कि देवा बच्चे के रोने से उठ पड़े और उसे संदिग्ध अवस्था में देखकर बहुत से बेकार प्रश्नों द्वारा हलकान करना शुरू कर दे। देवा बच्चे के मुंह में स्तन देकर पहले की ही तरह बेखबर हो गई वो खुद बिस्तरे पर सोता मालूम पड़कर भी जागता रहा स्तन चूसने की चपचप -चप आवाज आती रही और थोड़ी देर बाद वो भी बंद हो गई उसने तय किया कि वो देवा के बारे में ही कुछ सोचे अथवा उसके शरीर को छूता रहे उसने देवा के कूल्हे पर हाथ रख दिया लेकिन उसे तनिक भी उत्तेजना अपने अंदर महसूस नहीं हुई उसने थोड़ी देर उत्तेजना की प्रतीक्षा की अपनी इस हरकत से उसे ऊब होने लगी और मन भी उसे लांछित करने लगा बाहर पिता सो या जाग रहे हैं जैसा भी हो वो बड़े जबरदस्त हैं। इस समय बाहर रहकर बाहरी होते जा रहे हैं घर के अंदरूनी हिस्सों में लोग आराम से या कम आराम से किसी तरह सो तो गए होंगे विषादग्रस्त हुआ और अनुभव करने लगा कि हमारे समाज में बड़े बूढ़े लोग जैसे बहु बेटियों के निजी जीवन को स्वच्छंद रहने देने के लिए अपना अधिकांश समय बाहर व्यतीत किया करते हैं क्या पिता ने भी वैसा ही करना तो शुरू नहीं कर दिया उसे पिता के बूढ़ेपन का ख्याल आने पर सिहरन हुई फिर उसने दृढ़ता से सोचा कि पिता भी बूढ़े नहीं हुए हैं उन्हें प्रतिक्षण हमारे साथ साथ जीवित रहना चाहिए भरसक पुरानी जीवन व्यवस्था कितनी कठोर थी उसके मस्तिष्क में एक भिजाव आ गया विषाद सर्वोपरि था उसे आंखों में हल्का जल लगने लगा अगर कोई शीत युद्ध न होता पिता और पुत्रों के बीच तो वो उन्हें जबरन खींचकर नीचे लाकर सुला देता लेकिन उसे लगा कि उसका युवापन एक प्रतिष्ठा की जिद कहीं चुराए बैठा है वो इस प्रतिष्ठा के आगे कभी बहुत मजबूर कभी कमजोर हो जाता है और वो वही भुगत भी रहा है दरअसल उसका जी अक्सर चिल्ला उठने को होता है पिता तुम हमारा निषेध करते हो तुम ढोंगी हो अहंकारी वज्र अहंकारी हो लेकिन वो वो कभी नहीं नहीं चिल्लाया उसका चिल्ला सकना मुमकिन भी नहीं था था अनुभव करता था कि उसके सामने जिंदगी पड़ी है और पिता पर इस तरह चिल्लाने में उसका नुकसान हो सकता है उसको लगा कि पिता लगातार विजयी हैं, कठोर हैं तो क्या उन्होंने पुत्रों के सामने अपने को कभी पसारा नहीं लगता है दीवारों पर भी पसीना चुचुहा आया है खुद को छुरा भोंक देने या दीवार पर सिर पटकने या सोती बीवी के साथ पाश्विक हो जाने का ढोंग सोचने के बाद भी गर्मी की बेचैनी नहीं कटी उसने ईश्वर को बुदबुदाना चाहा लेकिन वैसा नहीं किया केवल हल्के हल्के हाथ के पंजों से सिर के बालों को दबोच कर रह गया मौसम की गर्मी से कहीं अधिक प्रबल पिता हैं। उसके सामने घटना मजबूती से टंग गई उसने घटना को मन में दोहराया वायुसेना में नौकरी करने वाला उसका कप्तान भाई बहन के यूनिवर्सिटी के खर्चे के लिए दस वर्ष तक पचास रुपए महीना भेजता रहा एक बार अकस्मात कप्तान भाई होली अवकाश मनाने घर आ गया पिता ने उसके हाथ में उसके नाम की बारह सौ रुपयों वाली एक पासबुक थमा दी सबको यह बड़ा आकस्मिक लगा कप्तान भाई को हैरत हुई और हल्की सी खुशी भी कि एकाएक काफी रुपए मिल गए लेकिन इस बात से उसे दुख और पराजय का भान भी हुआ उसने अपने को छोटा महसूस किया दो वर्ष तक बहन के लिए उसने जो कुछ भी थोड़ा बहुत किया वो सब एक पल में घटकर नगण्य हो गया फिर भी वो अनुभव कर रहा था कप्तान भाई ज्यादा सोचते नहीं खिलाड़ी तबियत के हैं यान की तरह चुटकी में धरती छोड़ देते हैं कितने मस्त हैं कप्तान भाई उसे लगा कि पिता एक बुलंद भीमकाय दरवाजे की तरह खड़े हैं जिससे टकरा टकरा कर हम सब निहायत पिद्ध और दहनीय होते जा रहे हैं इस घटना को याद करके और पिता के प्रति खिन्न हो जाने पर भी उसने चाहा कि वो खिड़की से पिता को अंदर आकर सोने के लिए कहे आग्रह पूर्वक कहे लेकिन वो ऐसा कर नहीं सका वो असंतोष और सहानुभूति दोनों के बीच असंतुलित भटकता रहा न लोकोशेड से उठती इंजनों की शंटिंग ध्वनि न कंक्रीट की ग्रैंड ट्रंक पर से होती हुई धूमनगंज की ओर इक्के दुक्के लौटते इक्कों के घोड़ों की टापे न झगड़ते कुत्तों की भौंक भाक बस कहीं उल्लू एक गति एक वजन और विभत्सता में बोल रहा है रात्रि में शहर का आभास कुछ पलों के लिए मरसा गया है उसको उम्मीद हुई कि किसी भी समय दूर या पास से कोई आवाज अकस्मात उठाएगी घड़ी टनटना जाएगी या किसी दौड़ती हुई ट्रक का एक तेज लंबा हॉर्न बज उठेगा और शहर का मरा हुआ पुनः जीवित हो जाएगा पूरा शहर कभी नहीं सोता या मरता बहुत से सोते हुए जान पड़ने वाले भी संक्षिप्त ध्वनियों के साथ या लगभग ध्वनिहीनता के बीच जगे होते हैं रात काफी बीत चुकी है और इस समय यह सब सोचना सिवाय सोने के कितना निरर्थक है शायद पिता ऊंघ गए हैं करवट बदलने से उत्पन्न होने वाली खाट की चरमराहट आम टटोलते समय सूखी पत्तियों की कुचलने की आवाज लाठी की पटक मकान के फेरे के वक्त की खास खंखार कुत्ते बिल्लियों को हड़काना कुछ भी नहीं सुनाई पड़ रहा इस विचार से कि पिता सो गए होंगे उसे परम शांति मिली और लगा कि वो भी अब सो सकेगा शीघ्र नींद के लिए उसने टकटकी बांध कर पंखे की तरफ देखना शुरू कर दिया गर्म हवा के बावजूद दिन भर की व्यर्थ थकान और सोच विचार से पस्त हो जाने की वजह से वो नींद में चित्त हो गया थोड़े समय उपरांत वो एकाएक चक्कर उठ बैठा उसने चारों तरफ कुछ देख पाने के लिए कुछ क्षणों तक गड़े हुए अंधेरे को घूरा हुआ ये कि उसे शरीर में एकाएक बहुत गर्मी सी लगी और अजीब सी सरसराहट हुई शायद पसीने से भीगी टांग पत्नी के बदन को छू गई थी मुंह में बुरा सा एक स्वाद उभर आया किसी बुरी बीमारी के कारण अक्सर ऐसा हो जाया करता है उठकर उसने दो तीन कुल्ले किए और ढेर सारा ठंडा पानी पिया इतना सब कुछ वो अध में ही करता रहा आंगन से पानी पीकर लौटते समय उसने इतमान के लिए खिड़की से बाहर देखा अब तक नींद जो थोड़ी बहुत थी काफूर हो गई पिता सो नहीं गए हैं अथवा कुछ सोकर पुनः जगे हुए हैं पता नहीं अभी ही उन्होंने हे राम तू ही सहारा है कहकर जम्हाई ली है ऐसा उन्होंने कोई दबकर नहीं किया रात के लिहाज से काफी शोर उठाते हुए कहा है शायद उन्हें इतमान है कि घर में सभी लोग निश्चिंत रूप से सो रहे हैं पिता ने अपना बिस्तरा गोल मोड़कर खाट के एक सिरे पर कर लिया है और वही सुराही से प्याले में पानी ले लेकर अपनी खटिया की बाध तर कर रहे हैं सुराही से खाट तक और खाट से सुराही तक बार बार आते जाते हैं बहुत बार ऐसा करने पर खाट का बाद तर हुआ है इसके बाद उन्होंने पानी पिया है और पुनः एक बड़ी आवाजदार जमाई के साथ लिपटे हुए बिस्तरे का सिराहना बना निखरी खटिया पर लेट गए हैं तड़का होने में पता नहीं कितनी देर थी थोड़ी देर बाद पंखा जमीन पर गिराकर उनका दायां हाथ खटिया की पार्टी से झूलने लगा चारों तरफ धूमिल चांदनी फैलने लगी है सुबह जो दूर है कि भ्रम में पश्चिम से पूर्व की ओर कौए करते उड़े वो खिड़की से हटकर बिस्तरे पर आया अंदर हवा वैसी ही लू की तरह गर्म है दूसरे कमरे में स्तब्ध है पता नहीं बाहर भी उमस और बेचैनी होगी वो जागते हुए सोचने लगा अब पिता निश्चित रूप से सो गए हैं शायद